हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने दिन की शुरुआत की है नेचर से। तो आपने देखे यहाँ सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, चिड़िया चूँ चूँ करती है और बहुत ही फ्रेश फील होता है। तो यहाँ मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सुबह का खाना बन रहा है हमारे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं आज बैंगन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आपने देखा ही कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है मसाला वगैरह, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग मसाले का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो बैंगन आलू है और तुअल के दाने हैं। तो अभी हरी तुअल के दाने ना बहुत अच्छे लगते हैं सब्जियों में, तो खासकर लौकी की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप हमारे इधर आके देखेंगे बालाघाट एरिया में ना, तो आपको हर सब्जी में अभी के मौसम में तुअल के दाने मिलना ही मिलना है। और एक पोपट होती है, वो भी बहुत यूज़ होती है, पर पोपट इस साल फली नहीं, तो तुअल के दाने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बस थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनानी है और सब्ज़ी डन हो जाएगी। लास्ट में धनिया डाल देंगे और पीछे रखा है चावल और दाल और रोटी। दाल तो बन चुकी है, रोटी बनानी है गर्मा गर्म। और रोटी गर्म ही अच्छी लगती है और यहाँ सुबह जल्दी खाना बन जाता है, तो लकड़ी चूल्हे में बनता है तो हेल्दी फ्रेश होता है। मतलब हेल्दी चूल्हे का खाना खाना चाहिए, क्योंकि ना एक तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गाँव में लकड़ियाँ भी अवेलेबल होती है, तो पेड़ को जड़ से नहीं काटते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोली कि लकड़ी मिलती है तो वो पेड़ को काट दिए, वो फिर से फल जाता है, पेड़ बढ़ जाता है। तो चलिए हमारी सब्जी डन है। हेलो गाइस, जोर से बोलो हेलो गाइस। और हमारी काव्या बोल रही है हेलो। और काव्या को ना सर्दी हो गई है, तो काव्या ना कल अस्पताल गई थी और दवा करके आई है मेरी काव्या। और ना काव्या दवाई नहीं खाती है, काव्या को सर जबरदस्त ती खिलाना पड़ता है, फिर काव्या बहुत रोती है ना। काव्या मेरी प्यारी काव्या है ना। और काव्या सब कुछ भूल गई है, अपना गाना वाना सब भूल भूल गई है, बस कैसे या 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 करती है गंदी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज कौन सा दिन है? गुरुवार। और अभी हमने ना सब्जी बनाए हैं बैगन की, तो अभी दाल चावल सब बन गया है, बस अब रोटी बनाना है गर्मा गर्म और फिर खाएंगे, है ना। हाँ। और काव्या ने ना क्या खाई है? हाँ? काव्या ने क्या खाई है? काव्या ने कुछ भी नहीं खाई है, सिर्फ दूध पी है। और दादू और भैया ने, दादू और रिसु ने क्या खाए हैं? रोटी और दूध, दूध रोटी खाए हैं। और ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं, दादू और रिसु। और फिर ना काव्या जाती समझाने, मेरी काव्या प्यारी प्यारी इधर आओ बैठो। रिसु किसने मारा आपको? जोर से बोलो। दादू ने। दादू ना यीशु को मार देता है बहुत जोर से, है ना, लड़ने लगता है। और मेरी मम्मी अभी बाड़ी का काम कर रही है, प्याज लगाने हैं, तो वो लगाने के लिए प्याज खोद रही है। देखो स्कूल की छुट्टी है तो घर का काम स्टार्ट है, है कि नहीं मम्मी? मम्मी यहाँ बाड़ी में ना बहुत सारा प्याज का जो चोप होता है, बड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको भी लगाना है। ये देखिए ऐसा, तो इसको पहले बीजा को बो देते हैं, यहाँ यहाँ बोए थे बीजा को और इसे ढक दिए थे। मम्मी इसमें भी चौपाई है? नहीं, धनिया है इसमें, धनिया इसमें धनिया है। तो ऐसे ही उधर भी बोए थे, फिर उसका पौधा निकला, भी इतना बड़ा हो गया एक महीने में। अब इसको ना अच्छे से वॉश करेंगे पानी से, और उसके बाद फिर उधर वाफे तैयार हो रहे हैं, उसमें थोड़ा 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 दूर पर लगा देंगे। मैंने एक दिन लगाई थी और मैं आज भी लगाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। और जो घर में फिर उगता है और उसकी सब्ज़ी खाओ, उस धनिया डालो, वो सब्ज़ी का स्वाद ही अलग रहता है, बहुत टेस्टी खाना लगता है यहाँ का। तो घर में जगह है तो लगाओ और नहीं है तो मत लगाओ। तो इस बार मम्मी घर में रह रही है करके बहुत सारा लगाई है, नहीं तो हर समय इतना नहीं लगता है। अभी कोरोना के वजह से ना मम्मी मेरी स्कूल नहीं जाती है, तो घर में टाइम पास भी तो करना ज़रूरी है, तो ये सब बाड़ी वाड़ी लगा ली है। स्कूल जाती है, स्कूल जाती है मम्मी कभी कभी, कभी कभी नहीं, हर दो चार दिन में। तो मोहल्ला क्लास लगाने, तो वो उसमें एक दो घंटा रहना पड़ता है, ज़्यादा हेडेक नहीं रहता, तो जाना तो पड़ेगा ही ना, नौकरी है तो इसीलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आज हम लोग को कहाँ शादी में जाना है, बालाघाट, तो वहाँ जाएंगे अच्छे से तैयार वैयार होके टू व्हीलर से,
दादू को नहीं ले जाएंगे, काव्या को घर ले जाएंगे बस, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, 50 किलोमीटर है। हाय ब्रो। हाय गाइस। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं बालाघाट, और ये ना मेरे मम्मी के मामा जी हैं, उनका घर है। तो मैं भी आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके शादी में। और ये देखिए हमारे मामा जी का घर, यानी मेरी मम्मी के मामा जी का घर। और सीधे सिंपल तरीके से होने वाली है शादी, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पैर पढ़ाई चल रही है दूल्हे की, तो फटाफट से 1-2 घंटे में हम रिटर्न भी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा बालाघाट एरिया, बालाघाट का बस स्टैंड है ये। और दुल्हन पक्ष वाले भी यहीं आ गए हैं शादी करने, उन्हें लॉन ले लिए हैं, बुक करा लिए हैं। तो हम लोग लॉन में जा रहे हैं शादी लगाने, दोपहर की शादी है। और फिर खाना खा के हम लोग रिटर्न हो जाएंगे, और उनके दादू भी घर में हैं। और ये मामा जी के घर ना मैं बचपन में बहुत आती थी, पर जब से शादी हुई है तो पहली बार ही आई हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगला पुंडरीकाक्षो यस्य तिलकम् रामचंद्रम यस्य तिलकम् विधिस्थिरम यस्य तिलकम् परशुरामम वरकन्या चिरंजीव शुभलग्नम साविधानी लंबो। तो हम लोग आ गए हैं बालाघाट से, और ना वहाँ दिन में शादी थी 1 बजे की, तो हम लोग टाइमली पहुँच गए थे, क्योंकि हम यहाँ से 10 बजे निकले थे, तो 2 घंटे में पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे रहे 1-2 घंटा रहे, और जैसे खाना पीना खा के तुरंत वापस हो गए, तो हम लोग पहुँच गए हैं। शाम हो गई है और मैं आई हूँ अभी छत पे, क्योंकि यहाँ छत पे कपड़े टंगे हुए थे हमारे, तो वही लेने आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग का एंड कर दिया जाए, ठीक है। और काव्या भी आ गई है, और अभी दादू लोग भी थे यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। और यहाँ पर ना छत पर हमारे लौकी लगी हुई है, तो ये देखिए। और बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत बंदर आते हैं यहाँ, जितनी भी लौकी लगती है ना सारी ले जाते हैं। आज 2 लौकी ले गए हैं, तो दोपहर में आए थे, तो 4-5 ठो थी, तो 2 ठो ले गए हैं, और फिर भगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से भगते हैं बंदर। और ना ये इधर खेत हैं देखिए, हमारे घर के चारों तरफ खेत ही खेत हैं, यहीं बना है घर हमारा।
और ना अभी ये घर हमारा बना है कब, 2007 6-7 में बना है ये घर। तो ये देखिए इधर एक आध दिन हम आराम से दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और अभी बन रहा है हमारे यहाँ पकौड़ा बेसन का और चना दाल की रोटी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, आज करूँगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और काव्या भी आप लोगों से बाय कर रही है, चलो बेटा जाएंगे। रुक काव्या, छोड़ छोड़ छोड़। तो ये लोग गए थे, तो दादू लोग गए थे घूमने गाड़ी से, तो वो देखिए देख के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो, चलो नीचे चलो नीचे। चलो बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय।